फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासी। देखिए, अभी हम माहौरगढ़ माता रानी के पास से प्रस्थान कर रहे हैं। उन्हें ये कह रहे हैं कि जल्दी, कहते ना ये थे, मतलब माँ मैं जा रही हूँ, जाके आती हूँ और इस बार आऊँ तो बस कोशिश कीजिए कि सबसे यही बोलती हूँ, आपसे भी यही बोलूँगी कि मेरा केशव गोदी में हो। कल बकरीद है, बहुत बड़ा त्यौहार है। अभी तक जितने लोगों ने शक्तियाँ ली है, मैंने कहा ही था उनको तो गिफ्ट है ही। जो लोग लेना चाहते हैं अभी भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजे, जो भी खर्चा है भेजे, कर देंगे। प्लस आज कहते हैं बहुत बड़ा दिन है, शनिवार और संडे। कल दुश्मनों का भी दिन है, आज और कल दुश्मनों का काम होता है, जो कि हम गायब मंत्र से करते हैं। जिनको भी गायब मंत्र दिया है, गायब मंत्र बहुत एक्टिव है, बहुत लोगों का काम हुआ है। कल मैंने अपने ग्रुप में कुछ लोगों पर भड़क गई थी, तो जो भी 4-5 लोग में से थे, उन्होंने 2-3 जनों ने तो जो भी था उन्होंने अपना बोले कि माँ आप नाराज़ मत हो, हमारा मतलब वो नहीं था। उन्होंने जो भेजना था भेजा, लेकिन वो भेज के कोई मतलब ही नहीं ना, लेट भेजा ना, तो बोले नहीं हमको आप पर पूरा भरोसा है। और दूसरी बात, विद्या भी जिससे भरोसा किया ना, कभी टूटता नहीं, क्योंकि मैं आप सब लोग के लिए इतनी दूर यात्रा पे आती हूँ, अपना परिवार, घर परिवार छोड़ के, समझ रहे? एक मिनट, आप जो पैसा देते हैं आपका पैसा डूबता है क्या? आप जो पूजा कराते हैं, अगर काम नहीं हुआ तो आपके पैसे रिटर्न मिलते हैं। हाँ, 2-4 जनों के रिटर्न नहीं मिले क्योंकि उन्होंने उल्टा कहा है, लेकिन मैं दूसरे पंडितों जैसी नहीं हूँ, ये सबको पता है। मेरे पास कम से कम इतने सारे हैं ना, मतलब कम से कम नहीं तो इतने सालों में कम से कम नहीं कुछ तो भी है 50-60 लोग, मतलब भाई इतना साल हो गया तो 50-60 लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के अपने पैसे रिटर्न लिए। उन सबकी रसीद है मेरे पास, सामने वाला भले भूल जाए लेकिन मेरे पास रसीद है। और 4-5 लोगों को मैंने नहीं दिया, मैं खुद कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा नाम ख़राब किया। इसलिए तो शक्तियों पर शक मत कीजिए, मैं आप लोग के लिए यहाँ तक आती हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है मंदिर घूमना, ये करना, क्योंकि मेरा कहना है कि घर बैठे कोई पूजा नहीं होती। मंदिर जाते, देवस्थान पर जाके जब हम लोगों के लिए पूजा अर्चना करते तो जल्दी असर करता है, ये बात है। तो जाने की, और गुरु पूर्णिमा आ रही है 13 तारीख को। मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर कोई एक दिन पहले लेगा, सोचेगा चलो आज एक दिन पहले लेके हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं अभी आपको बताती हूँ दुनिया क्या बोलती है ना, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जो होएगा देखा जाएगा, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में क्या लिखता है, कहाँ क्या लिखता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी मैंने एक ही बात सीखी है, जो भी गलत वर्ड लिखेगा उसका स्क्रीनशॉट लेके सीधा मानहानि का केस करो, क्योंकि गलत कमेंट करना गलत है। क्योंकि हम YouTube चलाते हैं, यहाँ लोग BP पिक्चर बनाते हैं, सेक्स करते हुए दिखते हैं, नंगे हालतों में वीडियो बनाते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ता नहीं, उनको तो कोई सुप्रीम कोर्ट वो नहीं करने आता है। तो मुझे वो बात से डर नहीं है, जो होएगा देखा जाएगा, है ना। लेकिन एक बात है कि अभी गुरु पूर्णिमा में जो काम, गुरु पूर्णिमा के दिन आ रहा है, मैं खुद सामने से कह रही हूँ, सब लोग बोल रहे हैं माँ अगर किसी के पास नहीं तो कहाँ से लाएँगे। सीधी बात है, गुरु पूर्णिमा के दिन हर साल मैं कुछ गिफ्ट करती हूँ, तो मैंने कहा ही है जो भी गुरु पूर्णिमा के दिन मुझसे कोई शक्ति लेगा, तो ज़रूरत नहीं है 1-1.5 लाख, 2 लाख ले लो, कोई भी इंसान, मात्र सिर्फ 21,000 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि पूजे में सामान लगता है। मात्र 21,000 में उसे एक शक्ति भी मिलेगी, एक करिश्मा पर या सुल्तान जिनकी शक्ति भी मिलेगी, और उसे 5 लाख का फ़ायदा भी होगा और गुरु मंत्र के साथ होगा। ये मेरी तरफ से एक कहते ना गुरु पूर्णिमा के दिन गिफ्ट है, अब इससे ज़्यादा गिफ्ट तो मैं नहीं दे सकती, ये लोगों की सहूलियत के लिए है। लेकिन अगर कोई बोलेगा, कोई 2-3 जन मैसेज करेंगे मैडम हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो भैया मेरे को भी पूजा करना पड़ता है, इसके बदले कोई इतना पैसा कभी किसी को देता नहीं है। अब जिसे जो चाहिए लेना चाहे ले सकता है, नहीं लेना चाहे कोई ज़बरदस्ती नहीं, मेरा काम है बताना, आपका काम है लेना नहीं लेना, आपकी मर्जी है ना। दूसरी बात है, एक शक्तियों का ऐसा खेल होता है ना, अभी जैसे क्या बोलते हैं, कल बकरीद है, बकरीद पे भी मैंने कहा कि लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, सब है, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी मैं कल तक घर पहुंचूंगी, क्योंकि अभी लेट होगा, कल तक घर पहुंचूंगी तो शायद मैं तो बकरीद नहीं मना पाऊंगी, लेकिन हाँ शाम को मेरे घर पे कल मैं पहुंच जाऊंगी घर पे, तो मैंने अनु जी को फ़ोन किया, कल आएंगे वो करेंगे। ये जो सब डालते हैं ना भेदभाव हिंदू मुस्लिम का, मत डालो, मैं नहीं मानती, मैं इंसान मानती हूँ, हर कोई इंसान है, किसी एक दो की गलती की वजह से हम सबको ब्लेम नहीं कर सकते। मैं ख्वाजा जी को मानती हूँ, आज तो सबसे पहली जर्नी मेरी ख्वाजा जी से शुरू हुई थी, आज जो भी विद्या देवी को जो नाम मिला है ख्वाजा जी की वजह से मिला, बाद में मेरा बगलामुखी चैनल चालू हुआ, सब हुआ उनकी वजह से। तो मैं ये सब भेदभाव नहीं मानती, और मुझे कोई बोलते तो मुसलमान बन जाए, ये बन जाए, ठीक है वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हिंदू बनूँ या मुस्लिम बनूँ क्या बनूँ। मैं ब्राह्मण जात की लड़की हूँ, विंध्यवासिनी की पंडित हूँ मुझे, और कामाख्या की दीक्षित वो हूँ, मुझे वहाँ का गुरु मंत्र मिला है, मेरे खानदान में कोई अघोरी नहीं, मैं अघोरी हूँ। तो क्या करना है, तांत्रिक हूँ मैं, लोगों को अच्छी खासी बैंड बजा सकती हूँ, अच्छे अच्छे लोगों को सिखाया है,
मेरे में इतनी ताकत तो है कि अच्छे खासे आदमी को, अच्छे खासे चलते फिरते आदमी को बीमार कर सकती, समझ रहे, अच्छे लोगों का काम धंधा बंद कर सकती। ये तो वही लोग जान सकते जिनके साथ किया है मैंने, जिन लोगों का हाल इस वक्त बुरा है जो भीख मांग रहे हैं, ये माया मैडम लोग जैसे जान सकती हैं जिनको, जिनकी सच्चाई मैंने पूरी दुनिया के सामने ला के रखी है, समझ रही हो। क्योंकि इन माया मैडमों को रंडी बोलना भी रंडियों की बेइज्जती है, क्योंकि रंडियाँ तो पैसा ले के धंधा करती है, जो बगैर पैसों के धंधा करती है, और सबसे बड़े बेकार इनके आदमी हैं। मैं भले, मैं जानती हूँ कि माया मैडम का आदमी मुझे जानता है, लेकिन मैं क्या करूँ, उसके आदमी को बेशर्म इसलिए बोलना पड़ता है कि तू जैसा बेशर्म आदमी, जो कहते ना एक भड़वा दलाल औरत की दलाली करता है और दलाली करके उसके साथ सोता है, तू वो दलाल है कि तुझे पता है कि तेरी बीवी किसके किसके साथ सोती क्या करती है, लेकिन तो भी तो उस प्रकार का भड़वा और दलाल है कि तू अपनी बीवी का, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये जो सारे कारस्थानी हुए तू नहीं करा है, क्योंकि असली धंधे वाला तो तू ही है जो अपनी बीवी का भाड़ खाओ भाड़ खाता है। क्योंकि अगर असली मर्द होता ना तो ऐसे औरत को थूक देता, तभी थूक के चाटता नहीं, समझ रहे, ये बात है। और मैं इसलिए माया मैडम को कह रही हूँ क्योंकि कल हम जब पूजे में बैठे थे तो मैंने देखा कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो मैंने ऐसे कहा कि क्यों, ऐसा क्यों। कभी कभी क्या होता है कि विद्या देवी यात्रा पे निकलते तो सबको लगता है, मैं मंदिर में जाती हूँ ना, मैं सबके, मैं अभी योम के लिए भी, मेरा योम के लिए भी मैंने कल जाके धागा बांधा, ये किया, मैंने मन्नत मानी है कि मेरा योम चलने लगेगा ना, मेरा योम चलने लगेगा, मेरा केश हो जाएगा ना, तो मैं दोनों बच्चों को सीढ़ियों से चढ़ा के लाऊंगी और माता जी को प्रसाद और भोग बना के, अपने हाथ से भोग बना के खिलाऊंगी। तो मैं किसी के बच्चे का उल्टा नहीं सोच सकती, मेरा लड्डू। कल मंदिर में मैं बैठी थी जाप करते हुए, माता के सामने तो एक बच्चे आके बोला कि आई कुटे आए तो स्नेहा ने बोला देखो लड्डू आपको याद कर रहा है। इस बात से तो मैं केशव के पापा से भी बहुत नाराज़ हूँ, जब तुम लोगों को बच्चों को लाना ही नहीं है तो दिल लगाते क्यों हो। तुमको पता है सिर्फ मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है, वहाँ बच्चे को भी तकलीफ़ हो रही है, मैं तो बोल के दिखा रही हूँ, वो तो बोल के भी नहीं दिखा रहा होगा। क्यों, बच्चों को जहाँ प्यार मिलता है ना वहाँ पे होता है असली, वो भी बीमार पड़ता है बार बार। अभी वो बीमार क्यों पड़ा है कि उसके मन के दिमाग की बातें कोई समझ नहीं सकता है। क्यों, केशव का पापा अपना बाहर दोस्तों में बिजी रहते हैं, उनकी मैडम, उनकी जो मैडम है वो फ़ोन में बिजी रहती है। बच्चे को क्या है, दवा पिलाया सुला दिया, बच्चे के लिए दवा ज़्यादा अच्छा नहीं है। बच्चे का दिल समझो, बच्चों को ठीक करना है तो बच्चों के साथ खेलना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ मस्ती करनी पड़ती है, हर वक्त सिर्फ दवा 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 खिला के सुलाना नहीं पड़ता है। बच्चा बीमार पड़ता है लेकिन वो जब खेलेगा कूदेगा तो ठीक पड़ेगा। कितना अच्छा दिमाग है उसका मालूम है आपको, एकदम शार्प दिमाग है। ऐसे बच्चे बहुत कम जन्म लेते हैं, लेकिन ये बात किसको समझाए, किसी को नहीं समझा सकते। दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त है। आज मैं 3 दिन से बोल रही हूँ कि अगर वो बीमार है थोड़ा घर पर लेके जाओ, प्रांजल के साथ प्रेरणा के साथ खेलेगा, थोड़ा उसका माइंड फ्रेश होगा, बच्चों में बच्चा रहेगा। एक बंद घर में, एक बंद कमरे में जहाँ पे ना लाइट है ना पंखा है ना कुछ है, वहाँ पे तुम लोग एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को बहलाने के लिए मोबाइल दे देते हो, मोबाइल में वो कार्टून देते रहता है, ये अच्छी बात नहीं है। कल बच्चे के साथ कुछ भी गलत होगा ना तो मैं सीधी बात बोलती हूँ, मैं सीधा सीधा ब्लेम सिर्फ केशव के पापा और उसकी वाइफ पे डालूंगी, वो मतलब वो मैडम पे, वाइफ तो मैं भी हूँ, उस पे डालूंगी। क्यों, बच्चे को असली पागल बनाने वाले ये दो जने, क्योंकि एक दोस्तों में बिजी है, उसकी दोस्तों की दुनिया ज़रूरी है। क्योंकि शाम तक वो पवन कोले का फ़ोन आ जाता है, मुझे तो उससे भी बड़ा चिढ़ है कि मैं ये बोलती हूँ तेरे घर में बीवी नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या है नहीं है, तुम लोग दिन भर उसको फ़ोन करते रहो, तो ये बात है। मैं भले गुस्सा है, सॉरी, मैं, मेरा भी भाई है वो, लेकिन बोल रही हूँ मैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। तुम दोस्तों के चक्कर में, देखा ना, दोस्तों के चक्कर दो जने की जान चली गई, और जो दो जनों की जान गई है वो 5 जन उसके जिम्मेदार, नशाबंदी के चक्कर में सबके सब जेल में। ये बात मैं केशव के पापा को समझाना चाहती हूँ, दोस्ती करो लेकिन हद तक करो, गांड में यार उसमें मत घुसो, समझ रहे हो। मुझे कभी भी लगता है, क्या लगता है, केशव पापा ने अपना हार्मोन चेंज कर लिया। मैंने देखा है अक्सर, मेरा फ़ोन ज़्यादा शायद नहीं आएगा, मैडम का फ़ोन नहीं आएगा, लेकिन ये बंदे का फ़ोन बरोबर आता रहता है, दिन भर कंटिन्यू टिंग 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 बजता रहता है हर आधे घंटे। फ़ोन करना गलत नहीं, अच्छी बात है फ़ोन करो, लेकिन मेरा कहने वाले, मैं इसको तो कह नहीं सकती, मैं अपने पति को कह सकती हूँ, लेकिन मेरा पति भी दिन रात बस इन्हीं लोगों में बिजी रहता है। अभी बोलेंगे कि कभी बोलती है, अभी मुझे पता है क्या बोलेंगे, कभी बोलती है बच्चे के पास रहो तो आया बनते हैं। मैंने बच्चे के पास रहने को नहीं बोला, रहो बाहर रहो, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि उसके साथ, दोनों को बोल रही हूँ मैं, घर में असली माँ की जिम्मेदारी होती है। मैं नहीं बोलती हूँ विद्या देवी के घर पर लेके आओ, लेकिन एटलीस्ट अपने मम्मी पापा के पास ले जाओ, वहाँ पर भी दो बच्चे हैं, ये करो, अच्छी बात नहीं है। तुम लोग समझते नहीं हो यार। देखो क्या है ना, जहाँ बच्चे की बात आती है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि भगवान बच्चे बहुत नसीब से देते हैं यार। मुझे देखो 2 साल से पेट लेके घूम रही है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ बच्चे को लेके पागल जैसा घूम रही है कि बच्चा मेरा सही सलामत आ जाए। और एक तुम लोगों को भगवान ने तुम लोगों को दिया, तुम लोगों को कदर नहीं है, क्या बोलने का तुम लोगों को मैं।
छोड़ दो, जैसे करोगे वैसे भरोगे, मुझे कुछ मतलब नहीं। दूसरी बात, एक माया मैडम के लिए एक बात सर्कल सच सामने आया है कि माया मैडम का भी बच्चा हमेशा बीमार पड़ता रहता है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या करती है ये? तो कहते हैं ना, तुम दूसरों के बच्चे के लिए बुरा सोचोगे तुम्हारे बच्चे पे बुरा होगा ही। तुम दूसरों को सोचोगे कि इसका बच्चा बीम रहे अच्छे से नहीं आया, ये नहीं आया। तो सबसे बड़ा बात सामने आया है कि माया मैडम को अभी हाल ही में शायद मैंने सुना है कि उसकी जेठानी या कोई भी घर में एक नया बच्चा आया है गाँव से कहीं पर। पहले तो वो अपने बॉयफ्रेंड मतलब उसके जेठ के बच्चों से जलती ही थी। उसको ये है कि सब लोग बस मुझे देखें, मुझे प्यार करें, तब उसको तो कोई थूकता भी नहीं उसके ऊपर। वो उन बच्चों से तो जलती ही थी, लेकिन अब वो क्या कर रही मन में, जो एक और बच्चा आया है उससे भी वो जलती है। उसे ऐसा लगता है कि पहले कैसा उसका दावा था ना घर में, उसका आदमी बेघर उसको कुछ करता नहीं था, पागल। अब क्या करता है, वो पूरे घर को देखता है, परिवार को देखता है। वो बात की इसको जलन है, क्योंकि अब इसकी चलती नहीं, अब ये बोल नहीं पाती इसको ये मत दो, इसको मत दो। क्योंकि पहले ये ना, इसने अपने आदमी को पूरा औरत बना दिया था, हमेशा औरतों जैसा बात करना, क्या कर रहे हैं घर में, क्या हो रहा है, हमेशा अपनी सीख देना ऐसे। और अभी ये क्या किए, अब इसका कहीं ना कहीं तो मायके में पुर्जा चलता है, मायके में थोड़ा भाई माँ पूछते हैं। लेकिन इस पागल माया मैडम ने क्या केमल में, इसकी माँ को ये खबर ही नहीं है कि ये अब ये भी नहीं चाहती कि इसकी भाभी को बच्चा हो। ये मजाक नहीं कर रही विद्या देवी, रेणुका यल्लम्मा माँ के मंदिर में बैठी हूँ, माता रानी की कसम, ये औरत नहीं चाहती है कि इसके भाई को आज ज़िंदगी बच्चा हो। ये चाहती है कि उसको भी बच्चा नहीं हो, सब लोग मेरे बच्चे को प्यार करें, मुझे देखे और मेरे को बुलाए। इसको ये बात पता नहीं कि जब जब भी औरत अपने मायके जाती तब तब वहाँ उसके भाई के साथ कुछ ना कुछ मगजमारी होती है, कुछ ना कुछ उसके साथ गलत होता है, क्योंकि इसका पाएगुन अच्छा नहीं है। ये बात इसकी भाभी समझ गई है, इसकी भाभी से बिल्कुल नहीं जमती है। इसकी भाभी इसके सामने भले मीठा बोलती है, लेकिन जब भी ये घर पर आ जाती है जल भून के राख हो जाती है। लेकिन अब यूट्यूब की जरा मैसेज पहुँचा रही हूँ कि इसकी भाभी जो भी होगी, जो भी मैडम माया होगी, उसकी भाभी समझती कि मैं किसको बोल रही हूँ। बच्चा बहुत बार गिर चुका है, हर बार कोशिश कर रहे हैं, 2 महीना 3 महीना होके बच्चा गिर जाता है। ये कारण है माया मैडम, ये मजाक नहीं कर रही। अब वो कहाँ से कैसे करती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो करती है। क्योंकि जो औरत अपने पति को अपना डेट का कपड़ा जला के खिला सकती है, अभी भी कोशिश करती है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। तो ऐसी औरत के लिए मैंने कल यहाँ पर धागा बांधा है। रेणुका यल्लम्मा माँ ने कहा है कि बस ये देखो, उसको तो उसकी सज़ा मिल रही है, उसको जब जब मैंने टाइम दिया तब तब सज़ा मिली है। लेकिन मेरे को मेरी माता रानी ने कहा है, उन्होंने कुछ टाइम दिया, वो टाइम अब मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि टाइम बताने सामने वाला अपना सेफ्टी कर लेता है। उन्होंने कुछ टाइम दिया, उस टाइम तक के अंदर इस औरत का बहुत गंदा पोल खुलेगा और उसको बहुत लोग पकड़ के मारने वाले हैं, देख लेने। ये बात सही है। और सॉरी मैंने किसी का नाम लिया दोस्त यार का, मुझे आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, पवन भाई ये सब आप लोगों को बोलूँगी मैं। बस ये है कि थोड़ा कम फ़ोन करो, आदमी को घर में ध्यान दो, दो दो बीवियाँ हैं उसकी, दोनों जगह ध्यान देने दो और कुछ नहीं। और क्या, बहुत ज़्यादा फ़ोन बजता है ना तो मुझे गुस्सा आता है, और कुछ नहीं। तो बस सॉरी मैंने नाम लिया तो, लेकिन ये बात है कि बच्चे की बात आ रही है ना, बच्चा बीमार है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं लड्डू से भी बहुत प्यार करती हूँ। आज 3-4 दिन हो गए मैंने उससे बात नहीं की है, तो मेरा माइंड डिस्टर्ब है और गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मैं बाहर रहती हूँ और जब भी फ़ोन करो तो मेरे केशव का पापा बाहर ही, और बाहर में पीछे साइड बैकग्राउंड आवाज़ आपका ही आता रहता है। तो फिर मुझे चिढ़ लगती है, मुझे लगता है कि आप असली सौत तो तुम बन चुके हो, तो अब तुम्हारा क्या करना चाहिए मुझे वो देखना चाहिए। तो मुझसे दूर रहने में भला ही है और मेरे प्रभु से भी दूर ही रहो, क्योंकि जब से ये कांड हुआ है ना गोराई में, 2 लड़के मरे, तो अभी तक वो 5 लड़के जो साथ में थे ना, अभी तक शायद मैंने सुना है वो अभी तक उन लोग पुलिस स्टेशन में ही, पुलिस उन पे रिमांड रूम में ली हुई है। तो प्लीज़ 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 केशव के पापा को भी बोलूँगी, समझो, दोस्ती यारी करो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो। क्योंकि आप समझ लो कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप उस दिन मेरे घर में थे, बुलाया तो आपको भी जा रहा था, आप चले भी गए होते, आपको भी आपके दोस्त लोग रात को लेके जाते, पता है ना 2 बार अपना झगड़ा हुआ है रात को, मैंने आपको जबरदस्ती घर पर भेजा। तो दो ये दोस्ती यारी घर तक, घर के बाहर नहीं, मत जाओ किसी के साथ बाहर, बारिश का मौसम है ये सब है, भगवान ना करे किसी और दोस्त के साथ गलत हुआ ना, आपके साथ गलत हो जाएगा, पूरे YouTube पे बोल रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी आप पर केस है, केस अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, और पुलिस वाले जिन पर केस रहते हैं ना सबसे पहले उन्हीं पर धावा बोलते हैं, लेने के देने पड़ेंगे। इसलिए बोल रही हूँ ऐसी दोस्ती, जयराम जी की दोस्ती करो, मना नहीं है, लेकिन घर तक। कोई अगर बोले चल अपन बाहर घूम के आते ये करते, बिल्कुल भी नहीं, ये बात याद रखना। क्योंकि ये जितनी भी दोस्त है वो कोई अच्छे नहीं है, मैंने देखा है आपके दोस्तों की लिस्ट ही अच्छी नहीं है,
सारे दोस्तों की लिस्ट बेकार है, ये बात है, मैं ये बोलूँगी, बुरा लगे तो सॉरी, क्योंकि दोस्तों की लिस्ट अच्छी कब होती है, जब दोस्त घर के लिए भी सोचते हैं। अच्छे दोस्त मना नहीं है, लेकिन थोड़ा समझो, मुझे डर लगता है, क्यों, अभी जो ये हुआ है ना कांड हमारे गोराई में, उसके बाद से मेरा डर और बढ़ गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने उसी दिन वीडियो बनाई थी कि मांडर की काड़ू देवी ने मेरे केशव के पापा को बचाया है, सच बोल रही प्लीज़। और पवन भाई बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन सौत मत बनो, हमारी भाई बन के रहो, अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे सौतों को हटाना बहुत अच्छी तरह से आता है। जय माता दी।